के घर में भी, नफीस भाई के घर में भी चोरी हुई, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बगल में टावर बना हुआ है, जाहिद भाई के अल्टरनेटर खोल ले गया, उनसे भी कोई नहीं कार्रवाई हुई। सारी सूचनाएं पुलिस को दी जाती रहती है, चाहे 112 के जरिए या ऐसे भी जा करके थाने में, कोई कार्रवाई नहीं होती। झारखंड के प्रायोजक है माई इंडी फ्यूल्स दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-313-9115 पर। मेरा नाम मंसूर अहमद है, रिटायर्ड सूबेदार मेजर आर्मी से हूँ। मेरा घर लोलेपुर में है। यहाँ पर मेरे बेटे सिराज के नाम से दो प्लांट है, सिराज कंस्ट्रक्शन से। एक पाइप का है, एक इंटरलॉकिंग ब्रिक का है। दोनों में करीब 25-30 लाख रुपए की लागत लगी है। एक बार 18 नवंबर 2017 को इस पर चोरी हो गई थी कम से कम 6-7 लाख की। अभी परसों और कल दो दिन में चोरी हुई करीब 5-6 लाख की। हैं, चोर आ गए और इधर से खिड़की से खोल दिए, इधर से दीवारें तोड़ करके चढ़े, खिड़की खोल दिया, इधर से अंदर से ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ के सामान पूरा बाहर निकाले गए। 1.5-2 लाख का करीब जनरेटर खोल दिया, 250 लीटर ये एक हाइड्रोलिक आयल था उसको चुरा ले गए, कंप्रेसर पर मोटर रखा हुआ था मोटर चुरा ले गए, राम चुरा ले गए, चोर सारी मशीनरी। कम से कम यहाँ की चोरी 3.5-4 लाख की इधर की चोरी हुई है। और परसों रात को वहाँ पर पाइप रोड के उस पार पाइप फैक्ट्री पर उसके सारे चक्के जो भील चलते हैं, जिस पर पाइप चलती है, पाइप बनाई जाती है, उसको रिंग बोलते हैं। एक एक रिंग 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार की रिंगें आती हैं। करीब हमारी 24 रिंग खोल करके ले गए, उसमें भी 2-2.5 लाख का हमारा सामान चोरी हुआ। दोनों रातों में करीब 5-6 लाख का हमारा सामान चोरी हो गया मशीनरी। और मेरा बेटा बीमार था, परसों रात को इमरजेंसी मुझे लखनऊ ले जाना पड़ा और लोगों को भनक लग गई कि यहाँ ये लोग हैं नहीं, तो ये काम का अंजाम दिया गया। हमको ये अंदेशा है कि जो लोग यहाँ पर काम हमारे यहाँ करते थे उनकी मिली भगत से हुआ है। इसमें एक लालता प्रसाद जो ये अपना चौरे बाजार के पास बिसैना और धनजय का रहने वाला है, वो मुझे अंदेशा है कि उसी ने चोरी करवाया है। और उसी के साथ लोग मिल करके, कुछ हमारे अपोजिट पार्टी के लोग मिल करके शॉटगन से उन्होंने चोरी करी है। एक आदमी का काम नहीं, इसमें कम से कम 6-7 लोग लगे होंगे, क्योंकि इसमें मिस्त्री का भी पूरा काम हुआ है। मिस्त्री नहीं होता तो पूरा इंजन कोई खोल नहीं सकता। उसमें कई रकम के रिंचें लगती हैं, कई रकम के कनेक्ट टूल्स लगते हैं। एक अकेले के बस की बात नहीं है ये। इसमें लगभग कितने की चोरी हुई होगी? और करीब 5-6 लाख रुपए की चोरी हुई है मौके पे। उससे पहले भी 5-6 लाख की चोरी हुई थी। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना उस बार भी दी थी। कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या FIR का है 0317 और 2017 में 18-19 नवंबर का घटना है 2017 की। कोतवाली देहात ने कुछ नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी हम सूचना देने जा रहे हैं। 112 को डायल किया गया था, कल भी किया गया था, आज भी किया गया था। आ करके खाना पूर्ति करके 112 चली गई, कुछ करती वर्ती है नहीं 112। यहाँ छाए में पेड़ के नीचे बैठ करके गप लगाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं 112 वाले, कुछ नहीं करते। वहीं पर टाइम पास करते हैं इसी प्यार पट्टी चौराहे पर। और उनको 112 को फ़ोन किया गया, आ करके खाना पूरी करके चले, कहे कि चलो वहाँ थाने में आ जाना, बस इतनी सी बात की। अभी सुबह थाने में गया तो वहाँ एक सिपाही साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब अभी सो रहे हैं, लगभग 10 बजे आना। अभी मैं FIR अपनी तहरीर तैयार कर रहा हूँ, अभी ले जा करके मिलूँगा SSO साहब से और तहरीर दूँगा। हमारा ये कहना है कि पुलिस अब इसको आए दिन, इनके घर में भी, नफीस भाई के घर में भी चोरी हुई, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बगल में टावर बना हुआ है, जाहिद भाई का अल्टरनेटर खोल ले गया, उनके भी कोई नहीं कार्रवाई हुई। उनका जीशान का अल्टरनेटर सामान 15,000 का खोल ले गया, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बगल में बबलू बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, उनकी बैटरी खोल ले गए अभी एक हफ्ता पहले, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी सूचनाएँ पुलिस को दी जाती रहती हैं, चाहे 112 के जरिए या ऐसे भी जा करके थाने में, कोई कार्रवाई नहीं होती। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।